देहरादून से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर प्रमोशन में लगी रोक को हटा दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से खबर, जहां उत्तराखंड जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया है। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि हमारे पक्ष में आया फैसला विधिवत आदेश का, अब बस इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तो प्रदेश में प्रमोशन की राह खुलने से कर्मचारियों को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इससे आने वाले वक्त में फायदा होने वाला है। तो प्रमोशन पर जो रोक लगी थी उसको फिलहाल हटा दिया गया है। अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल रितु, जिस तरह से देश भर में एक आंदोलन चला था कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए, कुछ ऐसा ही हालात उत्तराखंड में भी बने थे और इसी तरह को लेकर एक मांग उठने लगी थी। लेकिन जो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन है उसने सीधे तौर पर इसकी खिलाफत की कि नौकरी देते वक्त आरक्षण की व्यवस्था जरूर लागू होती है, लेकिन प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी बेस पर ही होना चाहिए और उसी को मानकर यहाँ पर लागू करना चाहिए। लेकिन कार्मिक विभाग ने सितंबर 2019 में आदेश देते हुए सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाती थी, जिसको लेकर जो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन है हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है कि जो भी प्रमोशन होंगे वो सीनियरिटी बेस पर ही होंगे और आरक्षण जैसी व्यवस्था प्रमोशन में मान्य नहीं होगी। हालांकि अभी विधिवत आदेश नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की जानकारी कर्मचारियों को मिली कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, तो इसको देखते हुए कर्मचारी खासा उत्साहित हैं और खुशियां मना रहे हैं कि प्रमोशन जो होगा वो अजीत अनुमान क्या कितने कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंच सकता है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा होने की बात इसमें की जा रही है। बिल्कुल रितु, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो टोटल जो एम्प्लॉइज है वो लगभग 3 लाख से ज्यादा है और अगर इस फैसले के बाद वाले कर्मचारियों की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो इस फैसले से सीधा फायदे में आएंगे और सीधे तौर पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी उत्साहित हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और अब विधिवत आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आदेश की कॉपी मिलती है तो उसमें क्या कुछ बारीकियां निकलकर सामने आती हैं। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।